नक्सलियों ने पैसेंजर ट्रेन को पुल से गिराने की बड़ी साजिश रची थी, मगर ट्रेन पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। नक्सलियों ने नेरली और बचेली के बीच जंगल में करीब 40 फीट ऊपर बनी ब्रिज पर दोनों ओर से पटरी काट दी थी ताकि ट्रेन नीचे गिर जाए, मगर माओवादी अपने नापाक इरादे में सफल नहीं हो पाए। दरअसल प्रतिदिन किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच पैसेंजर ट्रेन संचालित होती है। शुक्रवार की शाम विशाखापट्टनम से जगदलपुर पहुंचने के बाद ट्रेन किरंदुल के लिए शाम को रवाना हुई। करीब शाम 7:30 बजे पैसेंजर नेरली और बचेली के बीच जंगल में पहुंची तो लोको पायलट को पटरी में कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दी, फिर भी इंजन और एक बोगी ठीक ब्रिज के ऊपर ही पटरी से नीचे उतर गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन पुल के नीचे 40 फीट खाई में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के वक्त ट्रेन में 35 यात्री और 4 रेल कर्मचारी सवार थे। रात में ही सभी बोगियों को दूसरे इंजन के माध्यम से निकटतम स्टेशन खींचकर ले जाया गया। नक्सलियों ने पटरी पर कई पर्चे और बैनर टांगे हैं, जिसमें 26 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, नक्सली इसके पहले भी अक्सर मालगाड़ियों को निशाना बनाते रहे हैं। इधर दंतेवाड़ा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत थाने से बल भेजा गया और रेल कर्मचारियों सहित सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। SP ने बताया कि नक्सलियों ने ब्रिज के ऊपर दोनों तरफ और पुल के आखिरी में पटरी काटी थी। उनका मकसद ट्रेन को डिरेल कर बड़े हादसे को अंजाम देने का था, पर वे कामयाब नहीं हो पाए। वक्त रहते पायलट ने ब्रेक लगा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल रेलवे प्रशासन के द्वारा सुरक्षा बलों की मौजूदगी में पटरी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इस मार्ग पर फिर ट्रेन दौड़ने लगेगी। देश TV के लिए दंतेवाड़ा से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।